सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना। शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र है। शिक्षा झुकने नहीं देती और संस्कार गिरने नहीं देती। अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। आज का पंचांग 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 2:42 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र दोपहर 12:35 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:29 से 4:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:19 से 1:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर दोपहर 3:45 तक रहेंगे। इसके उपरांत कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समय निकालें। अभी आप रोमांस और अवकाश के मूड में हैं। बाहर निकलें और जीवन का मजा लें, किंतु सावधानी बरतना ना भूलें। जुआ और सट्टेबाजी मूर्खतापूर्ण विचार है। अपने निर्णय लेने में तर्क संगत रहें और सफलता तुम्हारी होगी। अपनी कुशलता के कारण आपको घर और कार्यस्थल दोनों में सम्मान और आदर मिलेगा। आज यात्रा की भी संभावना है। अच्छे कामों का लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि उदारता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जैसा सोचता है वो वैसा बन भी जाता है। ग्रह स्थिति आपके लिए कई शुभ अवसर बना रही है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे। संबंधियों के साथ मेल मुलाकात भी होगी। कोई रुका हुआ आय का साधन भी पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। यह समय आराम करने और मनोरंजन का है। अपने बच्चों को लेकर आप भावुक महसूस कर सकती हैं। प्रेम में सकारात्मकता आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगी और रोमांस व अंतरंग पल आप में नई ऊर्जा का संचार करेंगी। इस प्यार के खेल को पूरी तरह से व खुलकर जिए। अपने साथी की छोटी समस्या को हल करना आपके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। आप अपने साथी के साथ जुड़े इस मुद्दे का समाधान करने वाली हैं। इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। सावधानियाँ, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा है। यह आपका वहम ही है। फोन और मित्रों में ही व्यस्त रहकर अपना समय व्यर्थ न करें। कभी कभी आपकी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास आपको धोखा दे सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर है। आपके सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब भी रहेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्य क्रम में शामिल होंगी। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपने पार्टनर से सहानुभूति रखना होगा और अच्छे से रहना होगा। उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनके मन की बात जानने की कोशिश करें। अविवाहित व्यक्तियों के लिए अच्छा रिश्ता आने की भी संभावना है। बात करते हैं करियर की। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और यही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खोला जा सकता है। अपने करियर में बदलाव करने के लिए यह समय उपयुक्त है। अपनी विलासशीलता भरी जिंदगी की इच्छा को पूरा करने के लिए ये नए अवसरों का प्रयोग करें। व्यवसाय में आपके कौशल की सराहना की जाती है और इसीलिए आपका आदर सम्मान होता है। आज अपने जीत का जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आपकी निपुणता सफलता प्रदान कर रही है। नया व्यवसाय आपको विपरीत विपणन चुनौतियों और अवसर प्रदान करेगा। सकारात्मक बने, क्योंकि यह आपके अच्छे कामों के लाभ उठाने का अच्छा समय है। नए व्यवसायिक संपर्क स्थापित होंगे, परंतु अभी गतिविधियों में ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। परंतु फिर भी जरूरत अनुसार काम बनते जाएंगे। किसी नए काम की योजना को भी क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। बात करते हैं सेहत की।
अतिरिक्त कार्यभार के कारण सिर दर्द और थकान जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। समय समय पर उचित आराम और आहार भी जरूरी है। सेहत में अचानक बदलाव भी आ सकता है, इस कारण चिंता हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के उपचार से सेहत जल्दी ठीक होगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चमेली के तेल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।